ये पोई के पत्ते की बेल है जिसे मैंने अपने बालकनी में लगाया है और ये बरसात के दिनों में इतना पत्ता देता है कि मैं इससे 2-3 बार रेसिपी तैयार कर चुकी हूँ। इसकी पकौड़ियों की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेमत और आप नेमत खाना देख रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं इसे हार्वेस्ट करने का तरीका भी बताऊंगी। आज मैं आलूओं और टमाटर के साथ पोई के साग को मिलाकर इसकी सूखी भाजी बनाने वाली हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसकी गोपल बहुत ही नरम होती है और आगे की डंठल में थोड़ा सन यानी छिलका तैयार हो जाता है। अगर हमारे पास पोई का पत्ता ज़्यादा होता तो मैं इसके सख्त डंठल को फेंक देती, मगर यहाँ हमारे पास पोई का पत्ता बहुत कम है और ये घर में हार्वेस्ट किए गए पोई के पत्ते हैं तो इसको फेंकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। कहते हैं कि इसको जो भी खाएगा उसके अंदर ब्लड की कमी नहीं होगी। साथ ही ये आँखों की रोशनी के लिए बहुत मुफीद है और पेट को साफ करता है। तो इसमें गुण ही गुण है। इसके फ़ायदे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ी कढ़ाई ली है, साथ में हमने 2 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाला है, मेथी का तड़का लगाया है और आलू हमारे यहाँ पर 400 ग्राम के लगभग है। इसे मैं इतना देर धीमी आंच पर तलूंगी कि ये लगभग 70-80% तक कुक हो जाए। थोड़ी सी हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक लगाकर इसे धीमी आंच पर लगभग 10 से 12 मिनट तक गलने देना है। इसके साथ ही ये लगभग 70-80% तक कुक हो जाएगा। हम इसमें अब बाकी के मसाले और पोई का पत्ता डालेंगे। हमें इसे ड्राई भाजी टाइप बनाना है। इसका कोई सेट फॉर्मूला तो है नहीं। हर घर में पोई के साग बनाने की अपनी खुद की रेसिपी होती है और जो इसे जिस तरह से बनाता है उसी में उसे सबसे ज़्यादा मज़ा मिलता है। आप भी इसे अपने तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि इसमें बाहर से हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें कटी हुई प्याज और टमाटर डाला है और पोई के साग में खुद ही अपना इतना पानी होता है कि वो इसी मॉइस्चर में इसी नमी में गल जाएगा। और इस तरह से धीमी आंच पर पकाया और गलाया हुआ ये साग बहुत ही मज़ेदार लगता है। उबले हुए चावलों के साथ या रोटी पराठे के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। साइड डिश के तौर पर आप इसे बना सकते हैं और दाल के साथ भी इसे बनाई जाती है और मसालेदार भी इसे बनाया जाता है, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। तो इस तरह से हमने कटी हुई पोई की पत्ती और डंठल सब डाल दिया है। यहाँ पर हम इसमें कोई मसाला नहीं डाल रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। उलट पलट कर इसे चला लेना है, इकट्ठा करके गोल करके दबा कर इसे ढक देना है ताकि इसमें इसकी जो स्टीम है वो बाहर भागे नहीं और स्टीम में ही ये गल जाए। बरसात के दिनों में पत्तेदार सब्जी में या साग में कीड़े आने का डर रहता है, तो आप इसे लेते वक्त ध्यान देंगे। यहाँ पर मैंने लहसुन धनिया और मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। पोई के साग में कोई टेस्ट नहीं होता, इसका अपना बहुत ही सादा सा प्लेन सा टेस्ट होता है। तो इसे थोड़ा चटपटा करने के लिए आप प्रोसेस के आखिर में ज़ीरा पाउडर और अमचूर पाउडर थोड़ा सा डाल सकते हैं। और देखिए, ढककर पकाने पर ये बहुत आसानी से पक जाता है, इसको गलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो आप इस बेल को देख सकते हैं। ये पोई का एक नन्हा सा पौधा था जिसे मेरी सिस्टर इन ला ने मुझे गिफ्ट दिया था और मैंने उसे बस 8 इंच डीप मट्टी में
डाल दिया था और अब आप देख सकते हैं इसकी जड़ें कितनी मोटी हो चुकी हैं और मैं इसके पत्ते को 3-4 बार हार्वेस्ट भी कर चुकी हूँ। इसे लगाना बहुत आसान है, बरसात के दिनों में तो ये बहुत आसानी से लग जाता है, तो कहीं पर भी अगर आपके पास ज़मीन है तो आप इसे लगा सकते हैं। उम्मीद आज की वीडियो को आपने इंजॉय किया होगा। थैंक